टीम रिप्रेजेंटेशन चुनाव आयोग को दी है। पहली रिप्रेजेंटेशन झारखंड के मुद्दे को लेकर है कि वहां के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, जिनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने खुद डायरेक्शन दी है कि FIR लॉन्च कीजिए, क्योंकि उनके खिलाफ ब्राइबरी के चार्जेस हैं और अनड्यू इन्फ्लुएंस के चार्जेस हैं रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के अंतर्गत। और हमने दिखाया इनको कि वहाँ कुछ टेप्ड कॉन्वर्सेशंस भी हैं। एक अधिकारी हैं अनुराग गुप्ता, उनके खिलाफ टेप्ड कॉन्वर्सेशंस भी हमने याचिका में डाली हुई हैं, जिससे साफ जाहिर है। और एक चिट्ठी इलेक्शन कमीशन ने खुद लिखी है अनुराग गुप्ता के बारे में कि तुरंत इसके खिलाफ FIR होना चाहिए और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन किया है ब्राइबरी के केस में और अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में। और खास में कई और भी अधिकारी हैं जिनके खिलाफ 302 की शिकायत है। तो ये सब बातें हमने कही हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो जो विश्वास होना चाहिए चुनाव के दौरान कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा, वो विश्वास भी जनता के बीच अब उठ जाएगा। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि इस पे हम गौर करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। The other two issues that we took up before the Election Commission related to the misuse of Doordarshan by the BJP in broadcasting certain speeches made by the Prime Minister, and the use of a particular channel which has come up in which the logo is Nama, and under the Representations of People's Act and the guidelines of the Election Commission, there cannot be political campaigning in this fashion. So we have said that there should be a level playing field, and we have represented against that as well, and the use of Doordarshan in broadcasting that speech to the rest of the country. तो अगर आप मन के मैं भी चौकीदार हो तो चौकीदारी देश की करो, लेकिन दूरदर्शन के द्वारा नहीं करो और अपने एक चैनल के द्वारा नहीं करो। वो चैनल इनकी अपनी है, उस पर कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं है। तो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। अगर यही होने लगा इस देश में तो चुनाव कैसे होगा, निष्पक्ष तरीके से कैसे होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है इलेक्शन कमीशन के सामने। उन्होंने कहा है हम गौर करेंगे और जो भी कार्रवाई करनी होगी तो करेंगे। लेकिन सर आप दूरदर्शन की बात कर रहे हैं, फेसबुक ने 687 ब्लॉक किया है कांग्रेस से रिलेटेड पेजेस, ठीक है ना? तो हम चाहते हैं कि जहां भी कोई ऐसे उल्लंघन हो रहा हो तो वहां ब्लॉक करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये हाईवे, इन्होंने तो हाईवे खोल दी है, उसमें कोई ब्लॉक हो ही नहीं सकता। बीजेपी